अगला रात्रि क्लास है 25 दिसंबर 1966 का। बच्चे योग में बहुत मुझते हैं। यहाँ कोई है जो मुझते हैं? है? योग में मुझते हैं कोई? नहीं मुझते? अमृत वेले हमारे तो भी मुझते हैं। इसका मतलब कि योग अच्छी चीज नहीं है। मुझते हैं माना योग अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है यार, वो चीज अच्छी लगती है तो उसकी याद आती है। जब भी आंख खुल जाएगी, सोते सोते बाई चांस आंख खुल जाए तो याद, जो अच्छी लगेगी उसकी याद आएगी। तो याद अक्षर अच्छा है, योग छोड़ देना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। इस ज्ञान मार्ग में जास्ती पूछपाछ नहीं होना चाहिए। बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल सकता है। कब? कि बच्चा बाप के पास आवे और आते ही वर्षे का हकदार बन जावे। यहाँ तो है एक बाप के बच्चे। बाप है स्वर्ग का रचयिता। जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर उनसे स्वर्ग की वारसाई मिलेगी। रचयिता साकार में होता है या निराकार में होता है? रचना उस चीज की जाती है जो पहले न हो। तो अभी तो नरक की दुनिया है, स्वर्ग तो है ही नहीं। तो नरक की दुनिया में आकर के स्वर्गीय संगठन रचते हैं। वह संगठन पहले नहीं होता, फिर रचना करते हैं तो रचा जाता है। तो स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर उनसे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। उनसे तो रचयिता बिंदु रूप में नहीं होता। रचयिता हमेशा साकार होना चाहिए और रचना भी साकार होना चाहिए। बाकी ये बातें डिटेल में समझाई जाती हैं तो बच्चों को 84 जन्मों का ज्ञान भी है। बच्चों ने बाप को जाना और जब बाप को जान लिया कि बाप से विश्व की बादशाही मिलती है तो पहचान होने के बाद तुरंत भागता है ईश्वरीय सेवन कि हम अपना भाग्य बनाए। निश्चय होता है जिनको, वह भी बाप के पास भागते हैं, देर नहीं करते। जैसे जैसे निश्चय होता जाता है वैसे वैसे भागने की कोशिश करते हैं। कब जाकर के मिले? कोई कहते हैं हमें तो 2 साल से निश्चय हुआ पड़ा था, लेकिन हम कारण या कारण ये काम था वो काम था, ये समस्या थी वो समस्या थी, आए नहीं सके। तो बाबा कहते हैं तुमको खाक निश्चय नहीं था। अगर ये निश्चय हो जावे कि नई दुनिया बनाने वाला बाप आया हुआ है, स्वर्ग रचने वाला बाप, स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप आया हुआ है, तो 1 सेकंड भी ठहर नहीं सकता। बाप कहते हैं हम तो आते ही हैं पावन बनाए कर ले जाने के लिए। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित आत्मा होने के कारण उड़ नहीं सकती है। क्यों नहीं उड़ सकती? कारण क्या बताया? पतित आत्मा पतित है, ज्ञान योग के पंख टूट टूट जाते हैं।
ज्ञान में बुद्धि चलती नहीं है, जामड़ी होती है। तो उसे क्या साबित हुआ? आत्मा पतित है। योग में बुद्धि, याद में बुद्धि लगती नहीं है। भोग वासना की बात हो, बुद्धि लगती है, ये खाऊं वो खाऊं, यह पहनूं वह पहनूं, ऐसा मकान हो वैसा मकान हो। तो भोग की बातों में जब बुद्धि लगती है, इसका मतलब योग टूटा हुआ है। योग टूटा हुआ है तो आत्मा ऊंची स्टेज में उड़ेगी नहीं। बाप ही रहम करके सबको ले जाते हैं, फिर क्या रहम करते हैं? करते क्यों नहीं रहम है? कितने साल हो गए है रखड़ते रखड़ते, बाप को रहम ही नहीं आता? क्यों नहीं बनती है व्यक्ति स्टेज है? फिर बोला है अद्वैतवाणी में कि फरिश्ता ही स्टेज बनाने के लिए जस्टिस को बुलावे। धर्मराज को बुलावेंगे क्या? बाप आकर के सबको ही ले जावेंगे, छोड़ेंगे तो किसी को भी नहीं, क्योंकि सब रूहों को बाप से ही रूहानी वर्षा मिलता है। ये बेचारे योग तो बहुत कहते रहते हैं, योग योग, परंतु योग लगता ही नहीं है। प्राचीन भारत का योग तो बहुत गाया हुआ है, वो सृष्टि के आदि की बात है, वो सन्यासी आदि तो प्राचीन नहीं कहेंगे, वो तो आते ही है द्वापर में, अनेक प्रकार के योग सिखाते रहते हैं, वो योग कोई प्राचीन नहीं है। सृष्टि के आदि में जो योग भगवान ने सिखाया था वो प्राचीन योग था। इस योग से तो सत्व प्रधान बनना होता है, और यह याद के सिवाय, बाप की याद के सिवाय यह योग कोई सीख भी नहीं सकता। सीखने के लिए क्या करना पड़े? सिखाने वाले को याद करना पड़े। तो भारत का प्राचीन योग अर्थात याद, बाकी डिटेल है सृष्टि की आदि मध्यंत। कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न पूछते हैं तो उनको बताना चाहिए पहले याद की यात्रा को समझ लो। इस याद की यात्रा से ही तुम सत्व प्रधान बनेंगे।